लगातार बिगड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.3 बिलियन डॉलर अधिक हो गया। 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 584.755 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले 31 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के बाद यह भंडार 578.45 बिलियन डॉलर था। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 9 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह से विदेशी मुद्रा भंडार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी था। लगातार 2 सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बाद इससे पहले वाले सप्ताह में इस पर ब्रेक लग गया था, जिसके बाद 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी दर्ज की गई है। 7 अप्रैल वाले सप्ताह के दौरान भारत का स्वर्ण भंडार और SDR होल्डिंग भी तेज हुआ। इस दौरान स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 1.496 बिलियन डॉलर अधिक हो गया। 7 अप्रैल वाले सप्ताह के दौरान भारत का स्वर्ण भंडार और SDR होल्डिंग भी तेज हुआ है। इस दौरान स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 1.496 बिलियन डॉलर अधिक होकर 46.696 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 58 बिलियन डॉलर की तेजी आई है और यह बढ़कर 18.450 बिलियन डॉलर के बराबर हो गया। इसी तरह IMF के पास रखा रिजर्व 13 मिलियन डॉलर बढ़कर 5.178 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।